बिरसा विमेंस डिग्री कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां 100% फीमेल स्टाफ है। मुंबई के SNGT विमेंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इस कॉलेज ने 3 बार यूनिवर्सिटी लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है और कई स्टूडेंट्स अच्छी पोस्ट पर हैं। BA और BSc का 100% रिजल्ट आता है। BA, BSc, BCom के साथ साथ DMLT और पैरामेडिकल के कोर्सेज भी यहाँ चलाए जाते हैं और इस साल इसी CA भी शुरू किया गया है। इन कोर्सेज के जरिए कम से कम वक्त में एक अच्छी फील्ड में जॉब मिल सकती है। ये कोर्स SSC और HSC के बाद स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 अगस्त है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। एक बार फिर लिव इन पार्टनर ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। पुणे से ये वारदात सामने आई है जहां आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और अज्ञात कारण की वजह से उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की और लाश को प्रेमिका के घर के सामने ऑटो रिक्शा में छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले की तहकीकात की जा रही है। कल्याण रेलवे पुलिस द्वारा चोरी के जेवरात ले जा रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस को आरोपियों के पास से 7,37,000 रुपए कीमत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए। चारों आरोपियों में से 2 17 साल के नाबालिग भी बताए गए। करजत में एक शख्स ने अपने ही भाई की पूरी फैमिली खत्म कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी ने प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई समेत गर्भवती भाभी और 11 साल के भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा इस मामले को सुलझाया गया और ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भिवंडी शहर में पुलिस द्वारा 2 मटके जुए के अड्डों पर कार्रवाई की गई है। दोनों कार्रवाइयां शहर पुलिस स्टेशन और निजामपुर पुलिस स्टेशन द्वारा की गई, जहां रंगे हाथों जुआ खेलते हुए कुछ जुआरियों पर छापा मारा गया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। भिवंडी में आज 2 सब्जी फरोशों के दरमियान विवाद हो गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक सब्जी की हाथगाड़ी लगाने की जगह पर 2 सब्जी फरोशों में जबानी विवाद हुआ, जिसके बाद एक सब्जी फरोश ने दूसरे के सर पर हमला किया, जिसमें पीड़ित बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। भिवंडी तालुका में 2 छोटे बच्चे मोटरसाइकिल का शिकार हो गए। जब बच्चे खेल रहे थे उस दौरान एक मोटरसाइकिल ने दोनों बच्चों को कुचल दिया, जिस वजह से 3 साल बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दूसरा बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। नारपोली पुलिस ने अज्ञात मोटरसाइकिल चालक पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। भिवंडी तालुका स्थित गोदाम में अज्ञात चोरों ने 1,78,000 रुपए के माल की चोरी को अंजाम दिया। 10 और 11 सितंबर की रात ये वारदात अंजाम दी गई और अज्ञात डकैत ने गोदाम में घुसकर अंदर मौजूद 1,78,000 रुपए कीमत के लैपटॉप गायब कर लिए। एक बार फिर अज्ञात चोरों की ये गैंग भिवंडी के गोदामों पर अपनी नजरें जमाए हुए। थाने में कबूतरों को दाना डालने की वजह से एक शख्स पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक जब शख्स कबूतरों को दाना डाल रहा था तो कुछ लोग वहां आए और इस बात पर बहस करने लगे और देखते ही देखते आरोपियों ने शख्स के साथ मारपीट की और उसे जख्मी हालत में छोड़ दिया। शख्स ने पुलिस स्टेशन में सारे मामले की जानकारी दी। थाने में 3 लोगों ने गणेश समारोह के दौरान 21 साल महिला के साथ मारपीट की। बताया गया कि 3 आरोपियों ने पहले महिला के साथ छेड़छाड़ की और जब महिला ने उन्हें कन्फ्रंट किया तो तीनों ने उसके साथ मारपीट की और सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया।